हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2B। और एक बात है, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप और चैनल है, आप लोग अगर वहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट फर्स्ट कमेंट में। आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा और फिर मैं वहाँ पर ही बताऊंगी कि वीडियो कब आएगा, या फिर किसी दिन अगर वीडियो ना आए तो उसका भी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पर डाल दूंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन 2 का भी एक ही क्वेश्चन करेंगे हम। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन dx/x² - y² - z² = dy/2xy = dz/2xz, ठीक है ना। तो फर्स्ट देखिए, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2B। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, dx/x² - y² - z² = dy/2xy = dz/2xz, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, टू 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 इक्वेशन लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम करेंगे वाई और जेड को एक्स के रेस्पेक्ट में कर लेंगे, मतलब y = x या फिर z = x समथिंग ऐसा करेंगे। और फिर वाई जेड को एक्स रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, एक्स जेड को वाई के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, या फिर जेड को मतलब एक्स वाई को जेड के रेस्पेक्ट में मतलब निकाल सकते हैं। दो इक्वेशन आएगा हमारा, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ से हम निकाल सकते हैं वैल्यू। तो फ्रॉम फ्रॉम टेकिंग लास्ट टू टर्म, तो टू टर्म्स लेंगे तो dy/2xy = dz/2xz। तो 2x 2x कैंसिल आउट कर देंगे, dy/y = dz/dz। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट इंटीग्रेटिंग dy/y = dz/dz। तो उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, log z इक्वल्स टू log y = log z + log c और log y = log z c और y = z c। ये आ गया नंबर 1 इक्वेशन। उसके बाद हम लेंगे टेकिंग टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो वहां पर क्या आ जाएगा, dx/x² - y² - z² = dz/2xz, ठीक है ना। तो dx/y की जगह पर क्या कर लेंगे, c और z, ठीक है ना। तो dx/x² - c² - z² = dz/2xz। तो अब यहाँ से जेड कॉमन लेंगे, dx/x² - z² = 1+c² = dz/2xz, ठीक है ना। और फिर एक्स की जगह पर सॉरी, यहाँ पर हम x = क्या पुट कर देंगे, vz, ठीक है ना। तो पुटिंग, पहले हम dx को dx/dz कर लेते हैं, तो वहां पर dx/dz की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x² - z² * 1+c² / 2xz। तो पुटिंग x = vz वी गेट क्या आ जाएगा, dx/dz = v+z (dv/dz), ठीक है ना। तो उसके बाद इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देन द इक्वेशन बिकम v+z(dv/dz) = v² - x² - z² = 1+c² / d/2 v (z² = v² यहाँ पर सॉरी v² z² आ जाएगा, क्योंकि x² जो है तो z² तो v² - 1+c², ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2vz² कैंसिल आउट हो जाएगा, v² - 1+c² / 2v, ठीक है ना। v को इधर लाएंगे तो z(dv/dz) = v² - 1+c² / 2v - v,
और जेड इंटू डी बी जी डी जेड इक्वल्स टू वी का स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2 वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 वी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस 1 प्लस सी का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 वी। और क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए, इस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 वी डी वी डिवाइडेड बाई कर लेंगे, इस माइनस को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी का स्क्वायर है ना, यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ वी का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 वी। तो ये इधर आ गए, इधर क्या आ जाएगा, डी जेड बाई जेड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट इंटीग्रेशन 2 वी डी वी डिवाइडेड बाई वी का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी का स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी जेड बाई जेड। तो वहां पर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ, देखिए वी का स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो 2 वी ऊपर में है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लॉग ऑफ वी का स्क्वायर मॉड आ जाएगा, मॉड यहाँ पर तो वैल्यू पॉजिटिव है, वी का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी का स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल्स टू लॉग जेड प्लस लॉग सी वन, सॉरी यहाँ पर देखिए एक माइनस था इसलिए माइनस आ जाएगा यहाँ पर है ना, और लॉग जेड आ जाएगा माइनस, और क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ वी का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी का स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग सी वन बाई जेड, और फिर वी का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी का स्क्वायर इक्वल्स टू सी वन बाई जेड, और फिर वी इक्वल्स टू क्या है, एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी का स्क्वायर इक्वल्स टू सी वन बाई जेड, और फिर यहाँ पर जेड का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी का स्क्वायर इंटू जेड का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू सी वन जेड, और फिर सी वन जेड को इधर ले आएंगे तो 1 प्लस सी का स्क्वायर जेड का स्क्वायर और फिर माइनस सी वन जेड प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। इसको अगर कर लेंगे यहाँ पर मिडिल फैक्टर तो नहीं होगा, हम श्रीधर आचार्य से करेंगे, मतलब माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो जेड इक्वल्स टू सी वन प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ सी वन का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस सी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस सी का स्क्वायर, तो ये है आपका आंसर, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा अगर यहाँ पर आप जुड़ना चाहते हैं ग्रुप में या फिर चैनल में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।